हाँ जी बोलिए। तो खांसी का इलाज, वो लोग जो खांसी से मायूस हो गए हैं, ये मेरे अपने घर की रेमेडी है। और पिछले दिनों मेरे भांजे को बहुत शदीद किस्म की खांसी हुई जो तकरीबन 6 माह तक रही। हर टेस्ट क्लियर आया लेकिन खांसी रही। आपके खानदान में सबसे ज़्यादा उम्र की खातून कौन है? फिलहाल मेरी खलिया सास है। मेरे खलिया सास जी, क्या उम्र है? मेरे मियाँ की खाला तकरीबन 92 की। और ये इसलिए है क्योंकि खाला कह रहा हूँ, आपा हमेशा रेमेडीज पे बिलीव करती हैं, रेमेडीज पे बिलीव करते हैं। मेरा पूरा खानदान रेमेडीज पर बिलीव करता है। तो जो मेरे भांजे को खांसी थी 6 माह तक खांसी के बाद भी, और मेरे पार्लर की एक लड़की को खांसी थी, मायूस हो गई थी कि खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी है। बहरहाल आज का जो इलाज है, खांसी का इलाज है, इसको आप नोट कर लें। लहसुन की एक पोती ले लीजिए, और मैंने यहीं पर सेट पर बैठे बैठे इसको आपके लिए इसी तरह चूल्हे पर रखकर जलाया है। अरे वाह, ये आपके सामने थी। इस तरह मैंने कहा आप लोग देख भी लेंगे इसकी शक्ल, ये बिल्कुल जला हुआ लहसुन। अच्छा, है जला हुआ लहसुन है जी। ओके, ये पूरा ये जला लिया था मैंने, तो मैंने कहा इस वक्त आपको ताकि दिखा। अच्छा, खाने के लिए बना लगाने? खाने के लिए। शाह साहब अभी खाइएगा आप जी, खांसी के लिए। और ये लहसुन मैंने यहाँ पर जला हुआ लहसुन पीस कर आपके लिए पाउडर बना कर रख लिया है, ताकि आपको आसानी के साथ मैं दिखा सकूँ, खिला सकूँ। अच्छा जनाब, अब इसका मैंने जो एक पोती ये जलकर ऐसी हो गई है कोयले की तरह, अब मैंने इसको यहाँ पर पीस लिया है। और ये हमने एक तकरीबन ये पूरी लहसुन की पोती है, हम इसमें से तकरीबन इतना ले रहे हैं, एक आधी समझ लीजिए मैंने ले ली है। और इसके अंदर मैं मिलाऊंगी शहद, और शायद ये शायद ये इस तरह हमें खानी है ये दवा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दवा है कि आपको खिलाता हूं इनको मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास मॉडल पहले से मौजूद है जो नहीं शाह साहब क्योंकि हर्बल से ताल्लुक है, इनको पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते कोई भी नहीं जी। ये साइड बन जाएगी इस तरह से ये दवा, और जिसको भी खांसी है ये पूरी कहानी है जी। नहीं नहीं नहीं, ये आप बनाकर रख लें, और वक्तन फवक्तन इसको ऐसे लेंगे, इसको खाना नहीं है एकदम से। जिसको भी खांसी है वो थोड़ी सी ले अपनी जबान पर। तुम्हें 3 चमचे खाने से, और इस यकीन के साथ खाएं कि खांसी का शायद इससे बेहतर इलाज अभी तक मुमकिन ना हो। यही यही यही। मुंह मीठा हो गया, मुबारक हो, मुबारक हो। गुड है शाह साहब, अगर एक साथ खा लिए तो आने होने वाली खांसी भी ठीक हो जाएगी जो मुस्तकबिल है और दूर क्या? नहीं 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 नहीं, काफी था, एक ही चम्मच लेना था ना ठीक होने के लिए। आपकी पुश्तों की खांसी नहीं बेहतर है। अच्छा सही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मजाक की और बात है, लेकिन लहसुन और उसके साथ अगर आपने उसको जला के उसके अंदर ये शहद शामिल कर दिया, तो ये तो इतनी अक्सीर है कि आपका जो कंजेशन होता है वो भी दुरुस्त हो जाता है। कंजेशन भी दूर होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहतर है, सर दर्द को भी खत्म करती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह लेकर इसको थोड़ी थोड़ी देर में खिलाते रहना है, और रात को सोते वक्त पूरे दिन जारी रखें, रात को सोते वक्त जारी रखें, इंशाल्लाह ताला विद इन 3 डेज पुरानी खांसी खत्म हो जाए।